एक तरफ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ सिनेमा के पीछे पड़ी है। साउथ के सितारों को फिल्मों में बुलाकर काम करवाया जा रहा है। साउथ की फिल्मों में बॉलीवुड सितारे काम कर रहे हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने शहनाज गिल को जो सम्मान दिया, जो मान दिया, वो मान सम्मान बॉलीवुड के सितारों को भी अब तक नहीं मिला है। शहनाज गिल से जलने वालों को बता दें कि साउथ के फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2022 में शहनाज गिल को न केवल बुलाया गया था, बल्कि इसके साथ साथ शहनाज गिल वहां अवार्ड प्रेजेंटर के तौर पर गई थी। बार बार एक ही बात कहने वाले कि शहनाज ने किया ही क्या है, इसने तो सिर्फ बिग बॉस किया है। जरा ये बता दें कि क्या साउथ इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने शहनाज को यूं ही प्रेजेंटर बना दिया? और प्रेजेंटर भी किसी छोटे मोटे अवार्ड का नहीं। शहनाज ने बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया। जी हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फिल्म फेयर में शहनाज गिल से दिलवाया गया। ये अवार्ड जीतने वाली लिजो मॉल जॉस थी फिल्म जय भीम के लिए। याद दिला दें कि बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी शहनाज गिल को इनवाइट किया गया था, और इस बात से एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस को बहुत दिक्कत हुई थी। उस टीवी एक्ट्रेस ने अपनी पीआर टीम पर दबाव बनाते हुए कहा था कि अगर शहनाज को बुलाया है तो मुझे क्यों नहीं। मोहतरमा, क्योंकि शहनाज गिल अब बहुत बड़ा नाम हो चुकी हैं, और अब आपको इसे फैंस का प्यार कह लीजिए या फिर शहनाज की मेहनत, लेकिन शहनाज गिल अब सिर्फ टीवी एक्ट्रेस नहीं रही। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।